वाराणसी स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। इसी क्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 108 नंबर की 9 एम्बुलेंसों को विधिवत पूजा पाठ कर हरी झंडी दिखाकर जनता के लिए समर्पित किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर 108 नंबर की 712 एम्बुलेंसों को जनता के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए जनहित में समर्पित किया गया है। बीजेपी में संकल्प पत्र में कहा था कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से एक प्रयास किया है। आपको ये भी बता दें कि वाराणसी में इससे पहले 108 नंबर की 19, 102 नंबर की 38 और 3 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस पहले से ही काम कर रही है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सीधे कबीरचरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मंत्री को अनेक खामियां मिली, जिसको लेकर सीएमएस और सीएमओ समेत कर्मचारियों को भी जमकर फटकार लगाई। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए बन रहे स्पेशल वार्ड का भी निरीक्षण कर ठेकेदार को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण काम करने का निर्देश दिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वाराणसी में 4 अस्पतालों के अपग्रेडेशन चल रहा है, ताकि जनता को अच्छी सुविधाएं मिल सके। वाराणसी संवाददाता तौफीक खान। अंदर चले जाओ, क्या आदमी विधायक उधर यहाँ आइए, विधायक जी समझ में आइए, रुकिए रुकिए, लक्ष्मण जी थोड़ा सामने आइए इस तरह। हाँ भैया, ये पोस्ट ऑपरेशन के लिए तो वार्ड टाइप बनेगा, यही हुआ ना? आप क्या है? जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोडक्ट हो रहा है अभी? सब करूँ बहुत चीज़ों को मैं नहीं जानता। मैं अब ये चीज़ों को टॉलरेट करने के मेरे पानी निकल, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा विजिट है यहाँ पे। 28 जनवरी के बाद मुझे कुछ नहीं पता। 28 जनवरी के बाद है तो क्या फ़र्क पड़ता है? 6 महीने निकल गए तो क्यों नहीं कर सकते हैं? अपना जॉब तो करो सब लोग मिलके। आप लोग फीमेल वार्ड से क्या? आपके फीमेल वार्ड में कितना भैया? आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भगवान ने करे करें। बाबूलाल कैमरा पीछे करो, एकदम आगे कर दो। देखिए, मैं पूर्वांचल के दौरे पे निकला हूँ तो अभी तक मैंने गाज़ीपुर, माऊ, आजमगढ़ किया है, आज वाराणसी के उसमें हूँ और फिर सोनभद्र रहूँगा कल। तो ये मैं निरीक्षण कर रहा हूँ कि जो हम लोगों की गर्मी के साथ जो बरसात आती है उसके हिसाब से व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। और विशेष रूप से जब वाराणसी आए तो हमारे 4 अस्पताल जो है अपग्रेड हो रहे हैं, तो जैसे यहाँ की MCH विंग है उसको भी देखने आया था और उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने में वो हम लोग को हैंडओवर भी हो जाएगी, तो इसको PPP मॉडल में वो शुरू हो, लोगों को सुविधा मिले। मगर चीज़ें जो अभी भी ठीक नहीं है तो उसके लिए भी मैंने नोटिस पे डाला है सभी को कि ये ठीक होना शुरू हो जाए। जितनी थी आप सुनी रहे थे, आपके सामने ही बोल रहा था तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। प्रयास नहीं कर रहे, वहाँ पे एक्शन लिया है। आपके पास अब कोई और प्रूफ है तो वो भी दे दीजिए, मगर कहने से नहीं होएगा। आप दे दीजिए कि ये दलाल है,
हमारे पीछे सचिव आए थे, उन्होंने खुद जब निरीक्षण किया था आज से 10 दिन पहले, उन्होंने जो पाया था वहाँ पे हमने सीएमएस के साथ साथ वहाँ पे दो जो फार्मासिस्ट उन पे भी एक्शन लिया, उनको सस्पेंड और सस्पेंड के साथ डिसमिस भी किया है। अब धीमे धीमे हम सुधार की तरफ चल रहे हैं, अब एमसीएच भी बन रहा है तो महिलाओं को और सुविधा मिलेगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको भी मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा जरूर देखें। 5 सालों 3-4 विभाग के डॉक्टर जो है नहीं है, लेकिन विभाग है लेकिन डॉक्टर की जो कमी है उसको हम लोग धीमे धीमे पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो MBA या इंजीनियर की तरह नहीं आते हैं, उसके लिए उतने कॉलेजेस होते हैं, वो कॉलेज जितने देता है उसके हिसाब से ही देश में वो पैदा होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। चले आज उत्तर प्रदेश के अंदर 712 नई 108 एम्बुलेंसेस को हम लोगों ने लॉन्च किया है। हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में था कि 15 मिनट के अंदर 108 शहरी क्षेत्र में पहुँचे और 20 मिनट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचे, तो आज वाराणसी के अंदर 9 और एम्बुलेंसेस जो हैं वो जुड़ी हैं। अब इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा, हर ब्लॉक में एक एक दी गई है, एक शहर के लिए दी जा रही है, तो अब यहाँ पे भी जो एम्बुलेंसेस सर्विसेज जो चल रही हैं वो और सुदृढ़ होंगी, और इसके लिए विशेष रूप से क्योंकि